हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एरर्स। सही सुना मैंने, इकोनॉमिक एरर क्या होता है? पहले हम बताएं एरर क्या है। जैसा कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, एरर जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक बच्चे की लंबाई 5 मीटर है, एग्जैक्ट हम 5 नाम आपके 5.1 नाप दे रहे हैं, या 5.1 नाम आपके 4.9 नाप दे रहे हैं, तो 4.9 मापे चाहे 5.1, 5 से कम या ज्यादा तो वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, एरर। जैसा कि फिजिक्स में कहते हैं इकोनॉमिक एरर क्या, एरर। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का लंबाई 5 मीटर, तो कम नापिया चाहे ज्यादा, एरर हुआ। कम नापा तो कम एरर, ज्यादा माप दिया तो भी एरर। ओके मैसे, अब इसका इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है? एरर होने से इकोनॉमिक लॉस होगा कि बेनिफिट? तो जैसा कि हम जब बजट बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वहाँ भी एरर होते हैं, तो उसी तरह से इस तरह का एरर, जैसा कि फिजिक्स में भी है, साइंस में भी है। अब एरर हुआ तो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट यही है, एरर से लॉस ही होता है, प्रॉफिट तो नहीं होता है। अगर हमने मान लीजिए कि अगर मार्केट में हम प्रोडक्शन दे रहे हैं, 1 kg का प्रोडक्शन किए, ठीक है, और हम बता रहे हैं 2 kg का, तो भी लॉस है। अगर हमें करना चाहिए 1 kg का प्रोडक्शन, अगर हम 1 kg से कम प्रोडक्शन करें तो भी लॉस है, क्योंकि हम 1 kg कर सकते हैं। हम 1 kg करते हैं लेकिन हमने ज़्यादा कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं एरर होने से पॉजिटिव भी इफेक्ट है, नेगेटिव भी। चलिए मैं इसको इकोनॉमिक से बताएं। हमें मान लीजिए हमें दिन में 10 घंटा काम करना चाहिए, 10 घंटा हम रोज काम कर सकते हैं, मिनिमम 10 घंटा हम मैक्सिमम 10 घंटा हम रोज काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने 10 घंटा के बजाय 11 घंटा काम किया, तो 1 घंटा प्रोडक्शन हमने कम किया, तो वो जो एक दिन में 10 घंटा हो जाए, 9 ही घंटा हुआ, 1 घंटा प्रोडक्शन का लॉस हुआ। बट वही हम अगर 10 की जगह 11 कर दिया, तो एक प्रकार से तो प्लस, तो 11 कर दिया तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, यानी उस दिन 10 घंटे का काम नहीं हुआ, 11 घंटे का, यानी 1 घंटे का प्लस। यानी कि अगर हम एरर कहें, एग्जैक्ट टाइम से, एग्जैक्ट शेड्यूल से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो एरर बेनिफिशियल होगा, और अगर एग्जैक्ट टाइम से कम करेंगे तो वो एरर लॉस होगा। जैसे कि हम कहते हैं हमारे दैनिक जीवन में कुछ बैक्टीरिया प्रॉफिटेबल होते हैं, जैसे दही में होता है प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन बाकी बैक्टीरिया हानिकारक, इंजरियस। तो कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद है, कुछ बैक्टीरिया नुकसान। उसी तरह से एरर, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट शेड्यूल से हम थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन दे दिए, अगर इकोनॉमी, अगर इसी एरर को इकोनॉमी में कनेक्ट करें तो वो तो फायदेमंद होगा, वो एरर बेनिफिशियल है, यानी पॉजिटिव, यानी बेनिफिशियल है। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम से थोड़ा कम कर दिए, एग्जैक्ट टाइम से थोड़ा कम कर दिए, या फिर थोड़ा एग्जैक्ट टाइम से थोड़ा कम कर दिए, या एग्जैक्ट टाइम से थोड़ा, तो एग्जैक्ट टाइम से कम कर दिए, तो वो एरर, तो वो हार्मफुल, लॉसफुल एरर हुआ। क्यों? क्योंकि हम 10 घंटे का प्रोडक्शन दे सकते, 9। ओके भाई, तो हम कह सकते हैं एरर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट यही निकलता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक एरर एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमी हमें बेनिफिट देता है, लेकिन नेगेटिव इकोनॉमी हमें लॉस देता है। ओके भाई, तो हम कह सकते हैं एरर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम एग्जैक्ट टाइम शेड्यूल प्रोडक्शन से लोअर प्रोडक्शन देंगे तो वो लॉस एरर होगा, और अगर एग्जैक्ट टाइम प्रोडक्शन से ज़्यादा एरर प्रोडक्शन दे तो वो पॉजिटिव एरर होगा। तो हम कह सकते हैं एरर का ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एरर। अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट, मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौकड़ी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक से माय वीडियो टू योर फ्रेंड रेडी करें, क्योंकि मेरा मानना है ये वीडियो आपके लिए, आपसे मतलब सारे लोगों के लिए,
बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट बैक। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक से मध्य, या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव, एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।